हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बेसिक मेकअप किट। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करना ना भूलें। तो गाइस, मेकअप करना किसे पसंद नहीं है। हम लड़कियाँ तो मेकअप करने के लिए मौके ढूंढते हैं, तो वही मेकअप करने के लिए मैंने कुछ प्रोडक्ट चुने हैं जो कि बेसिक से हैं। वही मैं आज बताने जा रही हूँ कि हमें जस्ट बेसिक मेकअप के लिए किन प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है और उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, फेस वॉश करने के बाद हमें अपने फेस को टोन करने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ मैं एल्स गुडनेस का ये रोज़ टोनर यूज़ कर रही हूँ। इसके ऊपर मेरे चैनल में सेपरेट वीडियो भी है और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो चेक करना ना भूलें। तो ये स्प्रे बॉटल में है, जैसा कि मैंने अपने वीडियो में बताया है। तो मैं यहाँ एल्स गुडनेस का रोज़ टोनर यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा टोनर है हमारी स्किन के लिए। तो सबसे पहले ये टोनर, उसके बाद हमें अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ करने की ज़रूरत है। तो मॉइस्चराइज़र के लिए मैं यहाँ निविया का ये सॉफ्ट मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ। इसके ऊपर भी मैंने मेरे चैनल में वीडियो डाली है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक करना ना भूलें। तो ये है निविया का मॉइस्चराइज़र। ये मॉइस्चराइज़र काफ़ी अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए, हमारी स्किन को अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज़ करता है। तो मैं ये मस्ट है प्रोडक्ट है बिगिनर्स के लिए, ये प्रोडक्ट अपने पास रखना बहुत ही ज़रूरी है। और ये बस 39 रुपीज़ का प्रोडक्ट है। हाँ जी हाँ, 39 रुपीज़ का प्रोडक्ट है। कैमरा ठीक से कैप्चर नहीं कर पा रहा है, बट ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। उसके बाद ज़रूरत है हमारे फेस को प्राइमर की। तो प्राइमर के लिए मेरे पास यहाँ दो ऑप्शन है। पहला है लैक्टोकैलामाइन का ये लोशन, ऑयल बैलेंसिंग लोशन। इसके ऊपर भी मेरे चैनल पे सेपरेट वीडियो है, आप ज़रूर चेक कर लें। तो ये एक ऑयल बैलेंसिंग लोशन है, इसे आप एज अ प्राइमर भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, ये काफ़ी थिक प्रोडक्ट है, इसके बस थोड़े से ही अमाउंट लेकर आप स्किन पे अप्लाई कर लें और देन आप मेकअप अप्लाई करें। ये बहुत ही अच्छा बेस देगा हमारे मेकअप को और काफ़ी समय तक स्टे भी करेगा। इसकी प्राइस भी जस्ट 75 रुपीज़ है। उसके पास नेक्स्ट प्राइमर मेरे पास है ये एल्प्स गुडनेस का एलोवेरा जेल। इसे मैंने purple.com से परचेज़ किया था, ये कुछ समय पहले ही मैंने परचेज़ किया था, इसे ज़्यादा यूज़ नहीं किया है। इस तरह का जेल फॉर्म में आता है, ये प्राइमर की तरह काम करता है, बहुत ही अच्छा वर्क करता है हमारी स्किन पे एज अ प्राइमर। तो मैं ये रेकमेंड करती हूँ आपको कि आप मेकअप करने से पहले इस तरह एलोवेरा अपने फेस पर यूज़ कर लें और देन अप्लाई करें मेकअप अपना। गाइस, प्राइमर के बाद आती है बारी फाउंडेशन की। तो मेरे पास यहाँ फाउंडेशन के लिए ब्लू हेवन का ये फाउंडेशन है, ये विथ SPF, बट कितना SPF है ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है। ये मेरा नेचुरल शेड है जिसकी प्राइस है जस्ट 75 रुपीज़। ये आप देख सकते हैं, ये ट्यूब पैकेजिंग में है। इसे मैंने लोकल स्टोर में ख़रीदा था, इस तरह की लिक्विड फॉर्म में आती है ये। इस तरह आप इसे यूज़ कर सकते हैं अपने, देखिए इस ज़्यादा कवरेज नहीं है बट बिगिनर्स के लिए ठीक है। और अगर आप फाउंडेशन यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो मेरे पास उसके लिए दो ऑप्शन हैं। ये है NYBay का BB क्रीम विथ SPF 20 और ये है लैकमे का 9 to 5 CC क्रीम, इसमें भी SPF है 30 PA++। ये मेरे पास लैकमे का ब्राउन सेट है, ये मुझे बहुत पसंद है। मैंने इसे लगभग 2 महीने पहले ख़रीदा था, इसकी प्राइस छोटी ही है, इसकी प्राइस है 99 रुपीज़, बस ख़त्म ही होने वाला है। ये काफ़ी अच्छा कवरेज देता है हमारे फेस को। अब बात करते हैं NYBay की BB क्रीम की, तो ये उतना अच्छा कवरेज नहीं दे पाती, बस हल्का सा कवरेज देती है, मैं इसे इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती बस। और फाउंडेशन को अप्लाई करने के लिए हमें चाहिए इस तरह का एप्लीकेटर, स्पंज एप्लीकेटर। ये इतना सॉफ्ट है, अपने फाउंडेशन को बहुत ही अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं, इससे बहुत ही अच्छे से अप्लाई होगा।
आप ज़रूर कुछ स्पंज ख़रीदने से पहले इस तरीके से देख ले कि वो सॉफ़्ट है, यानी जितना वो सॉफ़्ट रहेगा उतना अच्छा ब्लेंड होगा आपकी स्किन पर। तो आप इस तरह के स्पंज एप्लीकेटर यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास एक और फाउंडेशन है, बट ये फाउंडेशन नहीं, पैनकेक है ब्लू हेवन का। अगर आप फाउंडेशन भी नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो इस तरीके के पैनकेक भी यूज़ करते हैं। ये स्पंज एप्लीकेटर इसके साथ, और ये है इसका प्रोडक्ट, देख सकते हैं। मेरा शेड है गोल्डन हनी, जो मुझे 95 रुपीज़ में मैंने ख़रीदा था, शायद nykaa.com से। जी हाँ, तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। फाउंडेशन को सेट करने के लिए हमें एक अच्छे कॉम्पैक्ट की ज़रूरत है, तो मेरे पास है यहाँ पे ब्लू हेवन का ये 2-in-1 कॉम्पैक्ट। आप देख सकते हैं इस तरह की इसकी पैकेजिंग है। मुझे ये कॉम्पैक्ट बहुत अच्छा लगता है, मैं यूज़ भी करती हूँ इसे। ये दो तरह के का है, पहला है मैट और दूसरा है सिमरी। आप देख सकते हैं इसके साथ ऐसा स्पंज भी आता है, तो आप इसे कॉम्पैक्ट की तरह यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आई मेकअप की। तो सबसे पहले मेरे पास है यहाँ आईलाइनर NYB का छोटू सा पैक है, देख सकते हैं आप। ये स्मच प्रूफ है, वाटर रेजिडेंट है, तो आप इसे भी बाय कर सकते हैं। देन बात करते हैं काजल की। तो मेरे पास है यहाँ स्टे कॉर्की की काजल। ये काजल मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है मुझे। खुल नहीं रही है बट खुल गई, देख सकते हैं आप। बहुत ही डार्क ब्लैक कलर की काजल है। तो अगर आप एक अच्छे काजल की तलाश में हैं तो ये बहुत अच्छा काजल है, मुझे तो बहुत पसंद है। ज़रूर यूज़ कर सकते हैं आप इसे, मस्ट हैव प्रोडक्ट। देन बात करते हैं आई शेडो की। तो मेरे पास यहाँ है ये कमेडियो का आई शेडो पैलेट। इसे मैंने यहाँ लोकल स्टोर में ही ख़रीदा था, बस ठीक है। देखिए बिगिनर्स के लिए ये अच्छा है, ये पैलेट बहुत अच्छा है, आप इसे ख़रीद सकते हैं। 140 या 150 में मिल जाएगी आराम से किसी भी लोकल स्टोर पे। उसके बाद बात करते हैं ब्लश की। तो ब्लश के लिए मेरे पास यहाँ है ADS का ब्लश, इसके साथ ऐसा छोटा एप्लीकेटर भी आता है, पिंक कलर का है। इसे मैंने जस्ट 60 रुपीज़ या 50 रुपीज़ में ख़रीदा था। बात करते हैं अब लिपस्टिक की। तो लिप के लिए मेरे पास यहाँ 3 शेड है, और ये है लैक्मे का लिप लव लिप केयर, जैसा कि आप जानते ही हैं इसे। तो पहला ये है, और दूसरा है मेरे पास यहाँ LA Teen का कलर पॉप मैट लिपस्टिक। इसे मैंने फ्लिपकार्ट से ख़रीदा था, देखिए इसका शेड। देखिए गाइस कितना प्यारा शेड है इसका, इसकी स्मेल भी बहुत ही अच्छी है। ये जस्ट 100 रुपीज़ की है, आप तो जानते ही हैं। और देन है मेरे पास NYB का ये लिपस्टिक रेड कलर में, बहुत अच्छा शेड है ये। ये भी बहुत अच्छा है बिगिनर्स के लिए, NYB का ये लिपस्टिक शेड नंबर 16। ये भी NYB का लिक्विड लिपस्टिक है, बट इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ नहीं है, एक लिक्विड लिपस्टिक है। ये शेड मुझे बहुत पसंद है, इसका शेड यहाँ पीछे मेंशन है, तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा शेड है ये, बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा है। तो गाइस ये था आज का हमारा वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक करना ना भूले, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले।
तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।